जनपद संभल के चंदोसी के सिल्वर स्टोन पब्लिक स्कूल में हो रही सरकारी गाइडलाइन के अनुसार पढ़ाई। जनपद संभल के चंदोसी में मोलागढ़ के सामने स्थित सिल्वर स्टोन पब्लिक में COVID-19 के बाद सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार ही पढ़ाई कराई जा रही है। आपको बता दें कि सरकार ने गाइडलाइन जारी करते हुए स्कूल में प्रवेश करने से पहले हाथों को सैनिटाइजेशन, थर्मल स्क्रीनिंग तथा छात्रों को डिस्टेंस के साथ बैठाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए, जिसके बाद सिल्वर स्टोन पब्लिक स्कूल में सरकार द्वारा बताई गई सारी सुविधाएं छात्राओं को प्रदान की जा रही हैं। सर, हमें स्कूल से ये गाइडलाइंस दी गई हैं कि हमें सब जितने भी फ्रेंड्स हैं उनसे डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग की करनी चाहिए और हमें सैनिटाइजर, मास्क इन सबको अपने साथ रखना चाहिए ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और जैसे कि आप स्कूल में एंट्री करते हैं तो किस तरह की सावधानी आपको पूरी तरह से चाहिए? सर, पहले जब हम एंट्री करते हैं गेट पे हमारे हैंड्स को सैनिटाइज कर दिया जाता है। उसके बाद एंटर करने के बाद हमें सैनिटाइजेशन टनल मिलती है, उसमें हम मूव करते हैं, सैनिटाइज होती है पूरी हमारी बॉडी। उसके बाद हमारा टेम्परेचर चेक किया जाता है, ऑक्सीमीटर से हमारी हार्ट बीट चेक कर जाती है और हमारा टेम्परेचर टीचर्स हमारी क्लास के अकॉर्डिंग लिखते जाते हैं और हमारी अटेंडेंस लगाते जाते हैं। और क्लास में जाके हम लोगों की सीट्स अलग अलग करवाई गई हैं जिससे कि हम अपनी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सके और अच्छे से हमें पढ़ाया जाता है। आप छात्रों छात्राओं को क्या संदेश देंगे? सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें जब तक कोई मेडिसिन नहीं मिल जाती हमें अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए, अपने खुद का क्योर करना चाहिए क्योंकि हम खुद की केयर कर सकते हैं तभी हम बच के रह सकते हैं। जैसे आपको विदित है, पता है आजकल COVID-19 सिचुएशन जो आज चल रही है पूरे विश्व में, उसको देखते हुए स्कूल की जो गाइडलाइंस CBSE से और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ रही हैं उसके मुताबिक बच्चों को एंट्री पे प्रॉपर चेक किया जा रहा है कि वो मास्क लगा के आए हैं या नहीं आए हैं। इनकेस कोई बच्चा बगैर मास्क के आ जाता है तो हमारा स्कूल उसको मास्क प्रोवाइड करता है। गेट पे सिक्योरिटी गेट सिक्योरिटी मैन उनको हैंड सैनिटाइज कराता है। उसके गेट की एंट्री होते ही हमने यहाँ चैनल लगा रखा है, यहाँ से वो प्रॉपर उसकी बॉडी फुल सैनिटाइज होती है। उसके बाद टीचर्स हमारे बैठे हैं, PTI वाइस प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटर रहते हैं और कुछ लेडी टीचर हैं, वो गर्ल्स स्टूडेंट को चेक करके उनका टेम्परेचर और प्रॉपर उनकी एंट्री करी जाती है जो सोशल डिस्टेंस के मुताबिक, जैसे हम गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के मुताबिक हमने सब गोले बना रखे हैं ये 5-5 फीट की दूरी पर, उसके मुताबिक पूरा टीचर स्टाफ हमारे इंश्योर करता है कि बच्चे सोशल डिस्टेंस बनाते हुए अपने क्लास में जाएं। ऐसे ही क्लास में भी सभी दूर दूर बेंचों पर बच्चे दूरी बनाए हुए बच्चों को वहाँ पे क्लास में बैठाया जाता है और प्रॉपर मास्क के साथ में। उसके बाद टीचर्स आते हैं अपना क्लास लेते हैं, पूरा ही उनका ध्यान रखा जाता है। इनकेस एंट्री के समय किसी बच्चे का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसको तुरंत हिदायत दी जाती है और स्कूल की तरफ से या उनके पेरेंट्स को बताया जाता है सभी बच्चे कराए, उनको हम अच्छी तरह से सुनिश्चित करते हैं कि वो प्रॉपर अपने घर पर पहुंच जाए और अपना ट्रीटमेंट ले, उसको एंट्री हम नहीं करने देते। पूरा इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए 2 शिफ्ट में क्लासेस चल रही हैं, एक 9-10 की सुबह मॉर्निंग से 9 से 11:30 और दूसरी शिफ्ट ये 11-12 वाली ये 12 से 2 बजे तक चलती है। इसमें भी हम ये ध्यान रखते हैं जो क्लास आज अभी बैठी है 9-10 की उस रूम में बच्चा नहीं बैठता है, सोशल डिस्टेंस रख के भी दूसरी क्लास आती है दूसरे रूम में ही बैठी जाती है ताकि एक चेयर पे एक डेस्क पे एक ही बच्चा जो उसके नाम पर नॉमिनेटेड है उसके नाम पर कर रखा है वही बैठता, दूसरा बच्चा उसमें बैठता नहीं। तो पूरा सारी चीज़ों को ध्यान में रखते ही क्लास में हमारी पढ़ाई चल रही है और टीचर्स भी सब चीज़ों को इजाज़त दी जाती है, दिन भर मीटिंग बताया जाता है और इस चीज़ को इंश्योर करके ही वो आगे क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं। अभिभावकों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने देखें और कोशिश करें, काफ़ी बच्चे कम आ रहे हैं स्ट्रेंथ अभी, जैसे हमारे पास 485 है 9-10-11-12 की, तो एक बैच में 50-60 स्टूडेंट आ रहे हैं। तो अभिभावकों से मैं बोलूँगा और ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया अपने बच्चों को भेजें जो बोर्ड का मैटर है, क्लास में आएँ, प्रॉपर पढ़ाई अटेंड करें। हमारे पास क्लास रूम काफ़ी स्पेसियस हैं, काफ़ी जगह ठीक है, दूरी पर बैठाई जाएगी, दूरी पर रखी जाएंगे, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखा जाएगा और क्लास में बच्चे आएंगे तो उनको बोर्ड में एग्जाम में सुविधा मिलेगी, सब ठीक मिलेगा, यहाँ किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो अभिभावकों से मेरा यही निवेदन है तो हमको कॉपरेट करें, अपने सारे बच्चों को हमारे स्कूल में भेजें और भेज के वो अपनी शिक्षा का पूरा फायदा उठाएं।
हमको बोल रखा है, सभी को मैसेज भी रखा है 24 घंटे कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो अभिभावक बेझिझक मेरे से ही बात कर सकते हैं, ऑफिस में बात करें नहीं तो मेरे से बात करें, कोई समस्या का मतलब ही नहीं है। आप बच्चों को भेजें और पढ़ाई पर ध्यान दें ताकि बोर्ड में अच्छा नाम कमाए। जैसे अभी हमारे एक बच्चा NDA के थ्रू निकला है, आर्मी में आर्मी ऑफिसर बना है, क्योंकि मैं भी आर्मी से हूँ तो मैं भी स्पेशल क्लास रन करता हूँ। अभी 9th के बच्चे कुछ बोलते हैं सर हमको इंग्लिश की प्रॉब्लम, तो उनकी मैंने एक्स्ट्रा क्लास कर रखी है। अब आपको से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपके बच्चे किसी भी सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं कुछ हैं तो मेरे को भी बताएं, और बताने के बाद उनको एक्स्ट्रा क्लास रन करूँगा, उनका पूरे शिक्षा का ध्यान रखूँगा। धन्यवाद।